एनकाउंटर पर सियासी संग्राम के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान आया। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2017 के बाद यूपी में माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमें बख्श दो, लेकिन जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी गलत काम किया है उन्हें उनकी सजा जरूर मिल रही है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, कहीं खनन माफिया भी था, कहीं वन माफिया भी था, कहीं पशु माफिया भी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहज जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। इधर तिरुपति के बाद अब मथुरा में प्रसाद पर सवाल उठे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा, वृंदावन में भी ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही हैं, सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब विभाग को कुछ काम करना चाहिए क्योंकि सरकार बीजेपी की है। ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव की ओर से उठाया गया है। वो कह रहे हैं कि मथुरा में भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, वृंदावन में प्रसाद में मिलावट की बात सुनने को मिल रही है और इस पर जांच होनी चाहिए। बालाजी के लड्डू में जो एडल्ट्रेशन का मामला आया है तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। डिंपल यादव ने मथुरा के प्रसाद पर सवाल खड़े किए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के प्रसाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर की तरह ही अयोध्या में भी प्रसाद की जांच हो। साथ ही उन्होंने साधु संतों को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की है। मंदिर के परिसर में प्रसाद या प्रसाद की सामग्री बिना वहां के धर्माचार्य संत महंत पंडित पुजारियों की अनुमति के अंदर जा ही नहीं सकता, इसका मतलब है इन पंडित पुजारियों संत महंत धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं न कहीं मिली भगत। और यही नहीं, इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। तिरुपति बालाजी प्रसाद विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के से सख्त कदम उठाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि ये साजिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस तरह की विषय आया और आंध्र प्रदेश सरकार इस पर व्यापक स्तर पर जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि जो भी दोषी होगा जिसके उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। इसके पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है हमारी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, तो सारे एंगल पर सरकार को जांच कराकर और जो दोषी है उसके खिलाफ
कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से, वहां की राज्य सरकार से आग्रह। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद राजधानी लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर की व्यवस्थापक महंत दिव्या गिरी ने दुकानों से लिए गए प्रसाद से भोग लगाने पर रोक लगा दी है। सिर्फ घर से बनाकर लाए गए प्रसाद, भोग, फल और सूखे मेवे को ही आप भगवान को अब यहाँ पर अर्पित कर सकेंगे। देवीगिरी जी, क्या बदलाव किया गया आज से? देखिए, आंध्र प्रदेश के जो तिरुपति मंदिर में मिलावटी प्रसाद मिला उसको संज्ञान में लेते हुए आज चूंकि हम लोगों का मुख्य दिन सोमवार होता है और अधिक संख्या में प्रसाद और दर्शनार्थी आते हैं, तो उन लोगों से हम लोगों ने अपील के तौर पे ये अनुरोध किया है कि आप स्वयं जो आपके घर में बन सकता है घी, या महिलाएं जो थोड़ा बहुत घी निकालती हैं अगर उसका प्रसाद बनता है तो वो लाएं, अगर वो नहीं निर्मित हो सकता है घर में तो आप सूखे प्रसाद को रख सकते हैं, आप फल रख सकते हैं, आप उसका ही भोग भोलेनाथ को अर्पित करें, अन्य कोई भी प्रसाद आप बाहर से ना लें, क्योंकि 1,000 या 2,000 रुपए लीटर आप घी नहीं ला सकते हैं। बाजार में भी जब आप लेने जाते हैं तो पूजा के तौर पर जो घी रखा जाता है वो निकृष्ट से निकृष्ट रूप में होता है और वो 200-300 रुपए, जो 1,000 या 2,000 में है वो आपको 200 या 300 में मिल रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं वो बहुत ही विशुद्ध है, तो आप उसका ना सेवन करें ना आप अपने इष्ट के लिए उसको निर्मित सामान में लाएं और कोशिश करें कि आप सूखा प्रसाद चढ़ाएं। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बिना कुमारी शैलजा का नाम लिए ही कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आ जाती है, लेकिन ये पार्टियां अच्छे दिनों में ज्यादातर ऐसे नेताओं को दरकिनार करती हैं, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि आरक्षण विरोधी है कांग्रेस, लोगों से आरक्षण विरोधी पार्टियों से सावधान रहने की अपील की है। मायावती ने कहा कि राहुल ने तो विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने का ऐलान तक कर दिया है। और मायावती के एक्स पर पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाब आया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि पहले कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में नहीं थी मगर अब है, अब कांग्रेस पीडीए की भी बात करती है, ये बीएसपी को तय करना है कि वो कहां पर खड़ी है। देखिए, आदरणीय मायावती जी जो बात कह रही हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, तो ये बात कुछ सालों तक पहले सही थी, पहले यही कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में है। कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी आरक्षण का जो स्लैब है 50% का उसको हटाने की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, अब कहां सवाल खड़ा होता है? अब तो पीडीए के पक्ष में खुद आदरणीय मायावती जी हैं या नहीं हैं यह उनको तय करना है। पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है, समाजवादी पार्टी के रणनीति का हिस्सा पीडीए है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है और इंडिया गठबंधन को भी अब की जीत जो दिलाई है उत्तर प्रदेश में वो पीडीए ने दिलाई है और यही पीडीए पूरे देश में बीजेपी को हटाएगा।